hello everyone this is the day 21 of quiz analysis in this video i am going to discuss 10 questions on chromosomal anomaly and this is my telegram channel where i post these quizzes you can join it by searching psych quiz 1 on telegram so question number one is a chromosomal anomaly इज़ अ चेंज टू अ चाइल्ड जेनेटिक मटीरियल और डी एन ए विच ऑल्टर्स द बेबी इज डेवलपमेंट बिफोर बर्थ ठीक है तो ये एक असर्शन है जो ये बता रहा है कि क्रोमोजोमल इनोमिली एनामिली का सिंपली मतलब होता है एबनॉर्मेटी या कोई डिफेक्ट आ जाना ठीक है तो क्रोमोजोम्स के अंदर अगर कोई डिफेक्ट किसी तरीके का है तो उसको कहेंगे क्रोमोजोमल इनोमिली तो यहाँ पर डिफिनेशन एक तरह से दी हुई है कि किसी भी चाइल्ड के जेनेटिक मटेरियल या उसके डी एन ए में किसी भी तरह का चेंज आना ठीक है तो वो बेबी का जो डेवलपमेंट है बिफोर बर्थ उसको एफेक्ट करता है उसको ऑल्टर कर देता है तो दिस इज द करेक्ट एस रीज़न क्या है कि क्रोमोजोमल एनोमली कैन इंक्लूड एक्स्ट्रा मिसिंग और इरेगुलर क्रोमोजोम तो ये भी रीजन करेक्ट है कि क्रोमोजोमल एनोमली एनोमली कब होती है सो देर इज जनरली अ पेयर ठीक है क्रोमोजोम्स का एक पेयर होता है जिसके अंदर दो क्रोमोजोम्स होते हैं तो मिला के वो एक पेयर बना ठीक है तो अगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ रहा है या एक जो पेयर का एक चीज मिसिंग है या इरेगुलर क्रोमोजोम है ठीक है तो उसको बोलते हैं क्रोमोजोमल एनोमली ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए है ठीक है दोनों ही करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है क्यों क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरह से वो जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करता है ओके बाय इंक्लूडिंग क्योंकि क्रोमोजोमल एनोमली के अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा मिसिंग या इरेगुलर क्रोमोजोम तो इस वजह से वो चाइल्ड के जेनेटिक मटीरियल को ऑल्टर कर देता है ओके okay? क्वेश्चन नंबर टू इज इफ अ चाइल्ड अ मिसिंग क्रोमोजोम और एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इट विल फॉल अंडर विच टाइप ऑफ क्रोमोजोमल एनोमिली तो दो तरह की क्रोमोजोमल एनोमली होती है एक होती है न्यूमेरिकल दूसरी होती है स्ट्रक्चरल तो अगर किसी भी चाइल्ड के अंदर एक मिसिंग क्रोमोजोम है या एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है तो ये कौन सा टाइप है क्रोमोजोमल एनोमिली का द आंसर इज वन न्यूमेरिकल ओके तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मैलिटीज कैन अकर वेन देर इज इधर मिसिंग क्रोमोजोम अगर एक पेयर में से एक क्रोमोजोम गायब है यानी एक ही एक ही है क्रोमोजोम ठीक है तो उसको मोनोजोमी भी बोलते हैं और अ चाइल्ड हैज मोर देन टू क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर ठीक है एक पेयर में एक, एक, एक एक्स्ट्रा है तो उसको ट्राइजोमी बोलते हैं ठीक है तो ये चीज़ होती है न्यूमेरिकल एब्नॉर्मैलिटी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज कब होती है जब स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है लाइक एक क्रोमोजोम का कोई एक सेक्शन मिसिंग है या एक क्रोमोजोम के डुप्लीकेट्स हैं ठीक है तो वो होती है स्ट्रक्चर एब न्यूमेरिकल में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा या एक मिसिंग हो जाएगा तो वो नंबर्स की बात हो गई तो वो न्यूमेरिकल के अंदर आ जाएगा स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर एब आ जाएगा तो स्ट्रक्चर एफ कई तरह की होती है एक होता है ट्रांसफर जिसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं ठीक है ठीके? अगर वन सेक्शन मूव टू अनदर क्रोमोजोम की एक जो सेक्शन है क्रोमोजोम का वो किसी दूसरे क्रोमोजोम के अंदर चला गया ठीक है इन्वर्जन अकर्ज वेन अ क्रोमोजोम ब्रेक ऑफ एंड रीअैचेज अप साइड डाउन ठीक है अप साइड डाउन हो जाना उसका जो पोजीशन वो चीज़ ठीक है और रिंग्स विल फॉर्म वेन अ क्रोमोजोम सेक्शन ब्रेक्स ऑफ एंड फॉर्म्स अ सेपरेट सर्कल विदाउट द लॉस ऑफ मटीरियल ठीक है आई होप दीज थ्री आर दी क्लियर वन ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइजोमी तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमलोमिली दिया हुआ है ठीक तो है तो डाउन सिंड्रोम है क्लाइंट फिल्टर है एडवर्ड है टर्नर आपको ये बताना है कि कौन सा ट्राइजोमी नहीं है तो रिमेंबर ट्राइजोमी वो होता है जब किसी भी पेयर में एक, एक, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है ठीक है तो आंसर इज़ फोर दैट इज टर्नर सिंड्रोम क्यों क्योंकि डाउन सिंड्रोम है इसको हम ट्राइजोमी ट्वेंटी वन भी बोलते हैं यानी कि एक, एक, एक एक्स्ट्रा फुल या पार्शियल ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम जो होता है वो ऐड हो जाता है ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम के अंदर एक एक्स्ट्रा पेयर ऐड हो जाता है एक क्रोमोजोम यानी और ऐड हो जाता है एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है कि ये ट्राइजोमी एटीन होती है जिसमें एटीथ जो क्रोमोजोम होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम और ऐड हो जाता है ठीक है तो ये दोनों ट्राइजोमी हो गई उसी तरह जो क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम है या एक्स एक्स वाई -एक है ठीक है तो वेन देयर आर एर देन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम ऐड हो जाता है मेल्स में तो उसको क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एक्स है ठीक है फीमेल में यानी एक एक्स मिसिंग है ओके आई होप दिस इज क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर इज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमी क्रोमोजोमल एनॉमिली ठीक है अभी मैंने न्यूमेरिकल पूछा नाइट इज द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरल तो क्राइडो कैट सिंड्रोम पैलेस्ट्राकअर सिंड्रोम जेकबसन सिंड्रोम ये तीनों ही स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एनोमिली हैं ठीक है यानी कि इन तीनों में ही किसी ना किसी तरह का स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत होती है क्रोमोजोम में ठीक है एंड जेम सिंड्रोम एज सच कोई भी सिंड्रोम नहीं है तो क्राइडो कैट सिंड्रोम में क्या है इसको फाइव पी माइनस सिंड्रोम भी बोलते हैं तो पार्शियल डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द फिफ्थ क्रोमोजोम यानी फिफ्थ क्रोमोजोम का जो एक छोटा सा हिस्सा पार्शियल डिलीट हो जाता है ठीक है विच इम्पैक्ट हेड साइज एंड बर्थ वेट यानी पूरा वो क्रोमोजोम गायब नहीं होता है ये पार्शियल उसका डिलीशन हो जाता है ठीक है फिफ्थ क्रोमोजोम का देन पैलेस्टर किलिन सिंड्रोम डुप्लीकेशन ऑफ द ट्वेल्थ क्रोमोजोम जो ट्वेल्थ क्रोमोजोम होता है उसका डुप्लीकेट हो जाना रिजल्टिंग इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सीजेस और पुअर मसल और okay? इसको इसमें क्या है है है? कि loss of genetic material from the 11th chromosome. जो जो उसके अंदर जो, आ, एक missing होना, ठीक रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स एंड डेवलपमेंट डिलेज क्रोमोजोम के अंदर जो भी जेनेटिक मटीरियल है उसका लॉस हो जाना ओके सो दीज द स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमी ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इज क्रोजोजोम इज यूजअली अकर वेन देर इज एन एरर इन सेल डिविजन ठीक है तो दिस इज करेक्ट कि क्रोमोजोम एबनॉर्मैलिटीज तब होती हैं जब सेल डिवीजन के टाइम पे कोई एरर होता है ठीक है तो देर आर टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन मिटिया एंड मियोसिस दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं मिटियासिस और मियोसिस तो बोथ आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नाउ मिटिया क्या होता है it result in two cells that are duplicated of the original cell. One cell with 46 chromosome divides and becomes two cell with 46 chromosome each क्रोमोजोम ईच ठीक है तो लिसन क्या है कि जो मिटीओसिस होता है ये जब कोई सेक्स सेल्स को छोड़ के जितने भी दूसरे सेल्स होते हैं उन सब का डिविजन होना तो उस प्रोसेस को हम मिटियास बोलते हैं जब सेक्स सेल्स डिवाइड होते हैं ठीक है उसमें एरर आ जाता है तो उसको हम मियोसिस बोलते हैं दोनों में ही एरर की बात हो रही है यानी में भी जब अदर सेल्स के डिवाइड होने में कोई एरर आता है तो उसको हम मिटियोसिस बोलते हैं जब सेक्स सेल्स के डिवीजन के अंदर कोई एरर आता है तो उसको हम मियोसिस बोलते हैं आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज एक्स वाई सिंड्रोम इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इन मेल्स ओके तो दिस इज द करेक्ट वन कि अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम मेल्स में आता है तो वो एक्स एक्स वाई सिंड्रोम होता है और उसको क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं रीजन इज मोस्ट मेन विथ टर्नर सिंड्रोम आर इनफर्टाइल ओके दिस रीजन इज इन करेक्ट ओके क्योंकि टर्नर सिंड्रोम मेल्स में नहीं फीमेल्स में होता है तो so, uh, जिन भी फीमेल्स के अंदर टर्नर सिंड्रोम होता है दे बिकम इंफर्टाइल ओके टर्नर सिंड्रोम इज नॉट द सिड्रोम ऑफ मेल ओके तो टर्नर सिंड्रोम सिंगल एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल्स most women with turner syndrome are infertile okay and Klein, uh, kleinfelder syndrome is additional x chromosome in males okay? तो अगर एक और चीज़ है कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ठीक है इन कंट्रास्ट टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा वाई इन मेल यानी कि एज यू नो एक्स वाई इज द मेल एंड एक्स एक्स इज द फीमेल तो अगर किसी मेल में एक एक्स्ट्रा वाई ऐड हो जाता है और अगर एक फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो जाता है तो इट डज़ नॉट रिजल्ट इन एनी स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और हेल्थ कंसर्न ठीक है हाँ ये ज़रूर है कि उनके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ जाए या दे टिपिकली डेवलप नॉर्मली एंड आर एबल टू कंसीव चिल्ड्रेन ओके सो बस इतनी सी फर्क होता है उसमें कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं और उनको थोड़ी सी लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है अ पार्ट ऑफ दैट दिस एवरी थिंग इज़ नॉर्मल ओके क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है यानी कि छोटे से बड़ा तो सबसे अंदर वाली चीज़ आपको पहले बतानी है और उसके बाद उसकी बात की तो सबसे पहले जीन्स होता है उसके बाद डीएनए होता है एंड देन इट इज़ क्रोमोजोम तो अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा जीन्स होता है देन डीएनए कवर्स जीन्स और क्रोमोजोम कवर्स डीएनए ठीक है अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे बाहर क्रोमोजोम होता है क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है एंड डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं ओके okay? तो जीन क्या है इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर ठीक है डीएनए क्या है डी ऑक्सीडाइबो न्यूक्लिक एसिड तो जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी किसमें होती है डीएनए के अंदर एंड क्रोमोजोम आर मेड फ्रॉम डीएनए एन स्ट्रांस रैप्ड अराउंड प्रोटीन तो अगर हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाए तो सबसे पहले जीन देन डी एंड देन क्रोमोजोम क्वेश्चन नंबर एट इज मीटिज इज द डिवाइडिंग ऑफ अदर सेल्स इन द बॉडी जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड दिस कि मीटिओसिस अदर सेल्स का डिवीजन होता है और जो मीटिओसिस कंटिन्यूस थ्रू आउट योर लाइफ टाइम ओके बोथ आर द करेक्ट वन तो इंडिपेंडेंटली दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नाउ टेरेटोजेंस इंक्लूड टेरेटोजेंट्स क्या होते हैं कि दे कुछ भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें है विच हार्म द बेबी वाइल इट इज इन द वोम ओके तो टेरोटोजेंस इंक्लूड सम मेडिसिन टॉक्सिक केमिकल समय इन बैक्टीरिया सम काइंड ऑफ रेडिएशन एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कोई भी एक्सटर्नल ऐसी चीज विच कैन हार्म द बेबी इन द वन दैट आर कॉल्ड टेरोटोजेंस समथिंग दैट कैन कॉज और रेज द रिस्क फॉर अ बर्थ डिफेक्ट इन अ बेबी दे आर द थिंग्स दैट मदर मे एक्सपोज टू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंडर आ सकती हैं डिस्टर्ब टेरोटोजेंस ओके क्वेश्चन नंबर टेन इज वेरी इजी ह्यूमंस हैव टोटल डैश क्रोमोजोम विद डैश पेयर्स तो देयर आर टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम एंड ट्वेंटी थ्री पेयर्स ओके आई होप दिस क्वेश्चन आर क्लियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्रोमोजोम इज एन ऑर्गेनाइज पैकेज ऑफ डी एन ए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ह्यूमन हैव ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रमोजोम ट्वेंटी थ्री टू पेयर्स ऑफ नंबर्ड क्रोमोजोम कॉल्ड द दटोजोम्स ठीक है एंड वन पेयर ऑफ जो सेक्स क्रोमोजोम होता है ठीक है एक्स एंड वाई उसको एलोजोम्स बोलते हैं रेस्ट ऑफ द पेयर्स उनको ट्वेंटी टू पेयर को ऑटोजोम्स एंड क्रोमोजोम दट इज कॉल्ड ऑलोजोम्स ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस मे इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंगव अ गुड य